अस्सलाम वालेकुम काबिल तमाम दोस्तों, मैं देखिए आप सब ठीक ठाक और खैर से होंगे। इस वीडियो पर 10 लाइक का जो टारगेट है, काइंडली इस वीडियो को आप लाइक करें। पहला नंबर सवाल है, 16 डिवाइड 2 प्लस 5 ज़र्ब 4 माइनस 2, इसका जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है डिवाइड, उसके बाद ज़र्ब, फिर जमा, फिर क्या मनफी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइड भी है और ज़र्ब भी है और जमा भी है और मनफी भी है। ये तीनों जो सिंबल्स हैं वो इस जो है सम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देखेंगे। डिवाइड क्या है, यहाँ पर डिवाइड है। क्या करेंगे, 16 को 2 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, 8 जवाब आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे उतारेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, उसके बाद क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। ज़रब देखेंगे यहाँ पर क्या ज़रब है, तो ये दोनों अमाउंट आपस में ज़रब करेंगे, 8 नीचे उतारेंगे, ये प्लस 5 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, 20 माइनस 2, उसके बाद अभी ज़रब डिवाइड भी हो गया, ज़रब भी हो गया, फिर क्या है जमा। तो यहाँ पर ये क्या है, जमा है, 8 और 20, जवाब क्या आएगा 28, उसके बाद हम ये मनफी और 2 देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या है मनफी है, तो 28 से 2 मनफी करेंगे, जवाब क्या आएगा 26, इसका क्या है दुरुस्त जवाब है, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सवाल आते हैं, वो आप सॉल्व करें। पहला नंबर सवाल है, 15 डिवाइड 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है प्रैक्टिस के लिए, 16 डिवाइड 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 मनफी 7, उसके बाद तीसरा नंबर प्रैक्टिस के लिए सवाल है, 50 डिवाइड 25 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6, ठीक है, सेम टू सेम ये सम और ये तीनों सम सेम है, जस्ट क्या है वैल्यू चेंज है। किस तरीके से सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करके जो जवाब आए वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने दुरुस्त सॉल्व किया या गलत। अगर कोई डिफ़िकल्टी पैदा हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।